माशाल्लाह चेक करें यार, जबरदस्त किस्म के गर्मा गर्म भटूरे। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना यार, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो भाई साहब अभी ताजी ताजी बगैरती लगा के पिछले सिग्नल के ऊपर सिग्नल को तोड़ के आप, अरे देवा, तो भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका है। रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो उसका मतलब है मैं कहीं जा रहा हूँ। तो भाई साहब मैं आपको बताता चलूँ कि यार मेरे एक पुराने बॉस थे, उनको आज मेरे से एक काम पड़ गया था छोटा सा। अच्छा। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार जूनी तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा भाईजान मैं अपने, नहीं नहीं सॉरी यार, वो तो चाइनीज है, उसको तो इंग्लिश आती है। बात तो सही है, उर्दू तो आती नहीं। उसने मुझे कहा जुनेद वेयर आर यू, मैंने मैसेज किया बॉस आई एम एट माई होम। तो उसने मुझे कहा यार मुझे ना कॉलिंग कार्ड चाहिए, मुझे कॉलिंग कार्ड ला के देने वाला कोई बंदा नहीं है यार, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने कहा यार बॉस आपके पहले हम पे इतने एहसान है, तो आपको हमसे अगर कोई काम पड़ गया तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में, कोई मसला नहीं, हम आपको अभी ला देते हैं कॉलिंग कार्ड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई मैंने कॉलिंग कार्ड उसके लिए खरीद लिया अपने बॉस के लिए, और ATM से फ्रेश 500 रुपये निकलवा के मैंने अपनी मोटरसाइकिल में 500 रुपये का पेट्रोल भी डलवा लिया, क्योंकि यार वो काफ़ी दूर है ना, बाइक में पेट्रोल कम था। तो अब मैं जा रहा हूँ। एज यू कैन सी हम एक ब्यूटीफुल कैंट में से गुजर रहे हैं, कैंट में से गुजर के जाना है यार फेस 8 में। बड़ा प्यारा म्यूजियम है यार, इसमें जहाज यूज खड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, वो देखो। किसी दिन आएंगे यार यहाँ पे भी व्लॉग व्लॉग बनाने के लिए, फिर करीब से सारी चीज़ों का व्लॉग बनाएंगे। पर आप अभी फिलहाल इधर से ऐसे इंजॉय कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह यार DHA में पहुँच चुका हूँ, शुक्र है। तो बालों का हाल आप देख लो यार, क्या हो गया है, बकरा लग रहा ना, सिंगों वाला बकरा। DHA में पहुंच गया हूँ, अब बस बॉस को करते हैं मैसेज और उसको कहते हैं भाई भाई राजो हम आ गए हैं आपके कार्ड लेके। Few moments later. देखो यार कैसी दुनिया है, लापरवाह बेपरवाह किस्म की दुनिया है। बॉस से बुलाया गया यार मेरे घर आ जाओ, मुझे कार्ड दे जो, मैं इतनी दूर से 25-26 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ उसको कार्ड्स देने के लिए, और उसके घर आके पता चला कि भाई वो तो शॉपिंग करने गया है। ये भी ठीक है। तो अब उससे रब्ता हुआ, वो कह रहे हैं यार करीब में जो शॉपिंग मॉल है उस शॉपिंग मॉल में आ जाओ, आप मुझे वहाँ पकड़ा दो। अब शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं यार, सब कुछ वेस्टेड हो गया यार, सारा कुछ ही वेस्टेड हो गया। और उल्लू के पट्टे को सिम कार्ड चाहिए था, वो मुझे कह रहा था अपने नाम पे ना एक सिम निकलवा के ला दो मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि वो चाइनीज पर्सन है ना तो उनको पासपोर्ट में सिम्स मिलती हैं, तो पासपोर्ट का इशू था तो वो कह रहा था मुझे। हाय हाय हाय, वो कह रहा था कि मुझे ना सिम कार्ड निकलवा के ला दो, कार्ड तो मुझे चाहिए ही नहीं है, सिम कार्ड ला के तो जिसमें 1000 रुपए का बैलेंस हो। मैं 1000 रुपए के कार्ड लेके चला गया। इतनी दूर का सफर, सारा कुछ वेस्ट हो गया यार, कार्ड भी वेस्ट हो गए। चलो कोई नहीं यार, इसी बहाने थोड़ी सी सैर सूर हो गई है, थोड़ा सा घूम फिर ली है, हमारा गति थोड़ी सी कर ली है, चलते हैं अब वापस अपने घर में। घर में भी कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है, मेरे मोहल्ले में ना तो बंदा है, एक लड़का है, उन लोगों ने ना आज भटूरों की वो की हुई है, भटूरों का ना उन्होंने, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, लंच की मतलब तैयार किया हुआ सारे मोहल्ले वालों के लिए, सारों को 12 रबी उल अव्वल की खुशी में भटूरे छटूरे खिलाएंगे, जरा खापे छापे होंगे, अभी मजा आएगा ना। तो चलते हैं उधर उधर भटूरे छटूरे खाते हैं। यार मुझे अगेन आना पड़ गया था DHA फेस 8 में, एक और छोटा सा काम था उस काम के लिए। यार मेरे बालों को इग्नोर करो, बालों में ना देखो, बालों में ना ऑयलिंग शॉयलिंग थोड़ी सी की हुई है, तेल लगाया हुआ, इसकी वजह से बाल खराब हुए। चलो बाल छुपा लेते हैं यार, बालों को नीचे कर लेते हैं। फेस 8 से वापस जा रहा हूँ, पीछे यार दरख्त चेक करो कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइटें शाइटें। सोसाइटीज में जब मैं आता हूँ ना, यकीन करो मुझे इस तरह लगता है मैं दुबई में आ गया हूँ। वो अपना मोहल्ला जरा वो पुराना, जरा पुराने टाइप का है ना, इसलिए। खैर अभी घर पहुंचते हैं यार, मुझे उड़ती उड़ती भी ये भी खबर आई है कि भटूरे खुल गए हैं, रोटी खुल गई है, जाते हैं यार। वो मेरे दोस्त ने जो भटूरे छटूरे उसका एहतमाम किया ना, वो भटूरे छटूरे भी हमने खाने हैं इससे पहले कि वो ठंडे हो जाए,
तो फटाफट पहुंचते हैं उधर वहां, और वहां पहुंच के फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाते हैं। यार जुड़े रहिएगा प्लीज़ इस वीडियो के साथ, और उसके अलावा यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। मुझे वो बताते हैं कि आपकी वीडियो पे 20 व्यूज़ आए हैं, जिनमें से 2 आपके सब्सक्राइबरों ने देखे हैं, 18 उन्होंने देखी है जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया। ये चीज़ देख के ना यार पहले मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि 20 व्यूज़ आए हैं टोटल 8 दिनों में, और ऊपर से सब्सक्राइब नहीं किया। यार इस चीज़ से ना मुझे और ज़्यादा दुख हो जाता है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना यार, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माशाल्लाह लुक एट दैट यार, बत्तियाँ बुतियाँ लगी हुई हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। पीछे भी बड़ी बत्तियाँ बुतियाँ लगी थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, वो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे, चालान कर देना था वीडियो बनाते हुए, इधर की बत्तियाँ बुझी हुई हैं। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खैर खैरियत से पहुंच चुका हूं। तो रही बात पठोरों की, तो यार अभी अभी मैं पठोरों तक पहुंचा हूं, तो जब मैंने वो पकते हुए देखे हैं इतने ज़्यादा ऑयल शॉयल ये वो, तो यार फिर मैं कहा नहीं यार, पहले ही अपना कोलेस्ट्रॉल बदा हुआ है, दौड़े छोड़े लगा के उसको कम कर रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, तो यार ये जाके पठोरे शटूरे खा लिए ना, ये बड़े मजे के होते हैं, ज़्यादा खाए जाते हैं, ये खा लिए तो फिर पूरे महीने की मेहनत जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोई फ़ायदा नहीं जुनेद साहब, आप परहेज करो, दिल पे पत्थर रखो। तो भाई फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, तो जाने फिर मैंने दिल पे पत्थर रख लिया और बस खुशबुएं जो आ रही थी उनको इग्नोर करके चुप करके साइड से अपने घर आ गया हूँ। आपको मॉल दिखाता हूँ जरा पटूरों का, आप चेक करें, वाह 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 जुड़ी हुई है, खा रही है, मैं यकीन करो बैठा हूँ आराम से, कोई नहीं यार खैर स्मार्ट हो जाएंगे ना फिर खाएंगे। हैवी किस्म के भटूरे शटूरे, पूरी वाम बैठी हुई है, रश लगा हुआ है, लेकिन आपका भाई जो है ना, आपका भाई बिल्कुल भी नहीं खा रहा यार। ये पीले कपड़ों वाला शख्स है जो भटूरे खिला रहा है, लेकिन मैं इस डर से नहीं खा रहा, इन्हें साल पूरा जो है ना ताने मारते रहना, ये पूरे महल्ले को बताता रहेगा जूनी साढ़े खा गया, जूनी की वजह से हमारे काम हो गए हैं। ये देखे ये शख्स है, मैं नहीं खा रहा। चेक करें मेरा दोस्त जो है ना ये भटूरे शटूरे खाने के लिए पहुंच गया, इसको मैंने मना भी किया था। यार ये भटूरे शटूरे खाने के लिए पहुंच गया, इसका ऑलरेडी पेट चेक करें, मैंने तो बायकॉट कर दिया भटूरों का कि यार नहीं यार बुरी बात है, घी वाले होते हैं, चेक करो बन रहे हैं। चल झूठा, कसम खा अपने प्यो दी कसम खा, मैं खाते कसम अपने प्यो दी खाना, अपने प्यो दी झूठ बोलन दे। ये देखे यार घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अब मैंने इसको 2-3 बातें सुनाई है ना, अब ये खुद मेरे लिए भटूरे लेके आ गया, चेक करें यार मेरे घर में आके ना ये मुझे भटूरे इन्ने ज्यादा ले आए मामा, ऐसे वेले में नाश्ते चला लेने बेचने ने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं भाई आपके लिए भी लाया है, क्या बात है, नहीं भाई ज्यादा सारे नहीं, अच्छा नहीं भाई सुबह स्टॉल लगाएंगे, सुबह नाश्ते में बेचने हैं हमने, सारे खाने नहीं है। यार बाकी की हमारी सारी टीम जो थी वो भटूरे खाने के लिए बैठ गई थी, और मैं और मेरा ये वाला बेली जो है ना हम पानी भरने आ गए हैं, इस बेली की मैं मदद कर रहा हूँ। देखो यार मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। बहुत चंगा ना, मैं पानी की बोतल मैंने अपनी गोद में रखी हुई है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यार ये कोर जगह के ऊपर भटूरे हमने लगे हुए देखे, हमने कहा यार अब इतना ज्यादा अल्लाह के रिज़्क़ को इनकार नहीं करना चाहिए, हम उधर बैठ गए आके। चेक करो यार पीछे घर में लाइटें शाइटें लगी हुई है, मैं और मेरा दोस्त, पानी की बोतल हमने ये रख दी और अब हम भटूरे खाने के लिए बैठ गए यार, फुल एंजॉय माहौल है। और शर्मा क्यों रहा है यार, बच्चा शर्मा रहा है भाई साहब। माशाल्लाह चेक करें यार, जबरदस्त किस्म के गर्मा गर्म भटूरे, वीआईपी माहौल हो गया भाई, सही बात है, बहुत मजे के यार, चस आ गई कसम से। चेक करें यार, चस आ गई कसम से, ये चेक करें। इतनी खुल के खा, खुल के अपना माल है, अल्लाह का माल है, खुल के खा मेरा भाई। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने भटूरे शटूरे खा लिए, माशाल्लाह बहुत मजा आया लंगर खाने का। यार पहले बिल्कुल दिल नहीं था लेकिन अब ना बर्दाश्त से काम बाहर हो गया था, आपको पता है आपका भाई खाने पीने में यार किस किस्म का है,
तो मैं कहा यार खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं यार, खैर अल्लाह खैर करेगा, दोबारा कल ज्यादा वॉक कर लेंगे स्मार्ट होने के लिए। साथ में वो इधर भी पूरे लग गए, वो इधर चले गए छोड़ यार, एक और जगह पूरे चले, मैं पूछ ले, मैं नहीं पूछ गया, पूरे ही हैं, पूरे ही हैं गाइस। यार वो बड़ी होगी, पहली घर से दो रोटियां खाई थी इतनी बड़ी बड़ी, उसके अलावा फिर भटूरे खा लिए। खैर कोई नहीं यार, अब जाते हैं घर, जरा देखते हैं उधर क्या माहौल चल रहा है। यार अभी मेरे ना ये वाला दोस्त और किधर गया, ये वाला दोस्त, ये दोनों आपस में लड़ पड़े, इनकी कुत्ते हो गई थी, तो यार इनको ठंडा करने के लिए मैंने कहा यार जरा स्टिंग स्टूंग इनको पिला दे। क्या बात है सर, क्योंकि यार इनको बोतल शोतल बुला के चिल्ला किया जाता है, इन्होंने एक दूसरे को टकरे मार मार के सर फाड़ देने थे एक दूसरे के। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है सुनी भाई, यकीन करो कि आपको अल्लाह मियां मेरे जैसा सोना सा मुर्दा दे। ओए बद्दुआ ना दे, तारीफें कर, तारीफ कर बद्दुआ ना दे, यकीन करो पला पलाया मिल जाए आपको। यार हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, अब ये दोनों भी मैंने दोस्ती करा दी, दोस्त बन गए। अब इनको मैंने समझाया कि मैं कहा यार लड़ाई लड़ूई नहीं करनी, एक जगह पे हमने रहना होता है, इकट्ठे ब्लॉग श्लॉग बनाना होता है यार, तो फिर लड़ाई करेंगे तो फिर हमारे ब्लॉग कैसे अच्छे बनेंगे। क्या कह रहा है यार, अब मैं हूँ तो वैसे इनसे छोटा, लेकिन फिर भी यार बड़ा बनना पड़ता है यार, ये आपको पता है फिर वो समझदारी झूठ बोल रहा है, अम्मी ने कल 37 साल नल्ले डॉन चुबट। तो आपको ना बड़ेपन का मुजाहरा करना ही पड़ता है। खैर यार आपको मेरी ये अच्छी जो मेरी अखलाकी अच्छी हरकतें अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा यार, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ करता हूं। नाज़रीन आज हमारे भाई जुनैद महमूद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बोतल पिला के, ठीक है, अब आपसे गुजारिश है इन्हें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ठीक है नाज़रीन, ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।